और ये हम आ गए हैं अफगानिस्तान के स्टॉल पे, जहाँ पे हमने ये तरह तरह के इन्होंने ड्राई फ्रूट्स डेकोरेट किए हुए केसर और वो सब। रेट अभी ये 600 रुपए की शीशी बता रहे हैं 1 ग्राम, बट अच्छा था। अभी मैं और घूमूंगी और देखूंगी। ये देखिए 2000 की एक किलो है। और ये है मेरे पीछे राजस्थान का पवेलियन जूली। ये है मम्मी। ये आंटी बना रही हैं चना जोर गरम। इसके इंग्रेडिएंट ये रखे हैं। भेलपूरी पहले दे दो। कितनी आपकी? 2। दे रही हूँ, दे रही हूँ। 1:30 बजे बिहार पवेलियन में अंदर ये सजाया हुआ है इन्होंने। ये है छोटी छोटी, और ये है मधुबनी पेंटिंग्स, उसकी स्टॉल बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स लगी हुई है। हेलो।
ये हैं इनके कारीगर। हेलो, और ये है मधुबनी पेंटिंग। ये बिहार की जो पवेलियन है उसकी दीवार पूरी सजा रखी है, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाई हुई हैं। ये देखो ट्रेड फेयर की रौनक है, ये सब बहुत सुंदर ट्रेड फेयर बना हुआ है, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें लगी हुई हैं जिसको हम बता नहीं सकते। और ये है, ये है यूपी का पवेलियन, ये शायद अभी बाद में है यूपी में, बाद में आएंगे। और ये है कर्नाटक, शॉप है। पोकेमोन ही है वो, बट पिकाचू उसका नाम है। और आज का हमारा ट्रेड फेयर का ट्रिप अब खत्म हो रहा है। हम लोगों ने बहुत अच्छा एंजॉय किया। और ये देखो मम्मी हैं, शानू तनु सब लोग, बच्चे हैं, सब लोग अभी बैठ के आराम कर रहे हैं। अब हम लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये पीछे एग्जीबिशन हॉल है, बहुत अच्छा बना हुआ है। ये देखो कहाँ से पूरा,
मुझे सरस पूरा दिख रहा है, बहुत अच्छा आज का ट्रेडफेयर हमें लगा, बहुत अच्छा बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लगा हुआ है। और ये फव्वारे ब्यूटीफुल, शाम के टाइम बहुत अच्छे लग रहे हैं, इसमें लाइट जल रही है ना तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है।